तेरी बाण न रोदू त्रे भाइयन रोदू, घंटा लगेगा बकवास कर रहे हैं उठाई करे। मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, फिर कदी को है तेरी लुगाई ने भी ले जाएंगे ढाके, आदमी डर जाएगा। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते प्रणाम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों आज हम बात करेंगे, अगर आपको कोई भी चवन्नी छाप परेशान हरास कर रहा है, बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहा है, तो उसका क्या इलाज है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है। जो जिंदगी में कभी आपके घर आने की तो बात दूसरी है, और फोन भी नहीं करेगा, और जिंदगी में कभी आपके घर की तरफ देखेगा भी नहीं, आपके मोहल्ले में नहीं आएगा, तहसील में नहीं आएगा, गांव में भी नहीं आएगा। साथियों अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको पता ही है हमारा चैनल जिस पे आप मुझे देख रहे हैं डिसेंट एडवाइज के नाम से, लेकिन अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइज के नाम से, जिस पे पिछले एक साल में मैं 1000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका 5 लाख का लोन है, 50 लाख का लोन है, 50 करोड़ का लोन है, या जितने भी करोड़ का लोन है, आप सिर्फ वो प्रॉब्लम लिखे यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में आगे डिसेंट एडवाइज में लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान आपके सामने होगा। साथियों जैसे कि कोरोना काल की वजह से करोड़ों आदमियों के बिजनेस व्यापार काम धंधे ठप हो चुके हैं, लगभग 50% से ज्यादा चल नहीं रहे हैं किसी के, और करोड़ों आदमियों की जॉब जा चुकी है, प्राइवेट आदमियों की जिनकी लगी हुई है वो भी 50% से ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही है। 5% आदमी ऐसे होंगे जिनको कोरोना आने से पहले जितनी सैलरी मिल रही थी आज भी उतनी मिल रही है, और 5% ही बिजनेस ऐसे हैं जो कोरोना आने से पहले, फर्स्ट लहर आने से पहले जितना उनका काम था उतना ही आज भी है। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है, 2, 4, 5 अगर लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी है, 1 लोन की होगी है, 5 की होगी है, 25 की होगी है। साथियों अगर आपके पास पैसे हो तो इनके पैसे दे दे, नहीं तो क्या करेंगे, आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे फ्यूचर में। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं दे गई, 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोनों की 5-5 ईएमआई डिफॉल्ट भी होगी तो भी ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है, सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। दिक्कत परेशानी कहां आ रही है, लोगों को ड्यू टू प्रोसेस नहीं चल रहे हैं। अगर ड्यू टू प्रोसेस चले तो कोई बात नहीं भाई, सिविल का डिफॉल्ट हो गया केस रट लेंगे भाई, अरे चेक भी दे रखा होगा तो चेक बाउंस का केस रट लेंगे यार। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे राइट्स नहीं है कि आपको डायरेक्ट जेल में उठा के भेज दें, लेकिन 54 छापों ने आपको अपराधी घोषित कर रखा है। वैसे तो सिविल का डिफॉल्ट हुआ है, अगर 54 छाप आपको परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन कर रहे हैं, आपके मोहल्ले पड़ोस में बता रहे हैं लोगों को, आपकी फोटो लेके घूम रहे हैं, तो इनका इलाज क्या है। कोई भी आदमी, चाहे वो 54 छाप है, चाहे वो ठंडी छाप है, ये तो है 54 छाप, ये ठंडी छाप नहीं है, इनका नाम ही 54 छाप है, आपकी इजाजत के बगैर कोई भी 54 छाप आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, आपके परिसर के अंदर नहीं आ सकता आपकी इजाजत के बिना। अब क्योंकि कोरोना चला हुआ है, कोरोना अभी गया नहीं हमारे देश से, क्या सारी दुनिया से भी नहीं गया है, सारे देश में सेंटर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की कि कोई भी आदमी बिना मास्क के नहीं जाएगा, और 100% चांस है कि 54 छाप आपके घर भी आते हैं तो मास्क लगाए बिना आते हैं। सबसे पहले तो आपके घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, दूसरा अगर बाहर भी आएंगे, बैल भी बजाएंगे तो भी वो मास्क लगाए होने चाहिए, वो मास्क लगा के नहीं रखते, सबसे पहले इनकी वीडियो बना ले, वीडियो बना के नेशनल डिजास्टर एक्ट में इनका चलान कटवाए, इनको 2 साल की सजा का प्रावधान है 54 छापों को। क्यों, आप ऑनलाइन भी उसको दर्ज करवा सकते हैं नेशनल डिजास्टर एक्ट में। उसके अलावा अगर ये मास्क लगा के भी आ रहे हैं, पहली बात तो लगा के नहीं आ रहे, इनका 2 साल की सजा इनको होनी होनी है 54 छापों को। ऐसा नहीं है कि 5-7 आपके घर आ जाएंगे तो भी आप इनकी वीडियो बना के इनका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं कि मेरे को हरास और परेशान कर रहे हैं। हां अगर ये सिंगल आए, मास्क लगा के आए, फिर भी आप इनसे आईडी कार्ड मांगे, इनका आई कार्ड मांगे, दिखा भाई कौन से बैंक, कौन सी एनबीएफसी कंपनी से आया है तू, वो इनके पास होता नहीं, 90% के पास होता नहीं, उसको भगाओ, कहते मेरे को क्या पता तू कौन से उससे आया है भाई, मेरे को क्या पता तू चोर है कौन है, मेरा सामान ले जाएगा ठाके, तू मेरे यहां से बाहर से बाइक खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, इसको उठा लेगा, मेरे को क्या पता, उसको भगाओ वहां से 54 छाप को, गाड़ी क्लोच करे, हरास करे, परेशान करे, रिकॉर्डिंग कर लो, ठाके सीधा इनका पर्चा दर्ज करो। इसके अलावा अगर जबरदस्ती आपके घर में घुसे, सीधा 100 नंबर पे फोन करो ना, सीधा पर्चा दर्ज करो, ये तो यहां तक कर रहे हैं लोगों के अंदर आके
ड्राइंग रूम के अंदर आके बैठ जाते हैं सोफे के ऊपर, भाई मैं तो जानता नहीं भाई, पैसे नहीं देगा तो। अरे भैया आपको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, इसीलिए 54 छापे भी हो रहे हैं। जब ये सिविल का डिफॉल्ट है तो इनका क्या काम है? उसको बोल भाई पैसे नहीं है, ड्यू टू प्रोसेस चल, कानूनी कार्रवाई कर ले, बात ही खत्म, ना मेरे पे है ना मैं देंदा। अब ये 54 छाप क्या करेंगे? उसके अलावा अगर ये जबरदस्ती गाड़ी क्लोच कर रहे हैं आपके साथ, रास और परेशान कर रहे हैं, आपके घर बाइक होगी, स्कूटर होगी, एक्टिवा होगी या पेट्रोल की कोई गाड़ी होगी, उसमें से थोड़ा पेट्रोल निकाल लो, बस एक सीसी ले लो ऐसी बोतल, और आगे उसमें ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसे खोलो, 54 छाप परेशान कर रहे हैं उसको पकड़ के उसकी दुकान में दो बूंद डाल दो बस पेट्रोल की, ऐसे बस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और जिंदगी उसकी झंड हो जाएगी, उसका बोर खराब हो जाएगा। जिंदगी में कभी नहीं आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, तहसील में, गांव में कभी नहीं दिखेगा, 2 GB जलन होगी उसकी दुकान के अंदर। अब आपको उसकी दुकान बंद करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही भागेगा वहां से कुत्ते की तरह, कभी जिंदगी में नहीं दिखेगा भाई साहब। फोन तो क्या करना हो, ये 54 छाप का काम ही नहीं करेगा। नई पेट्रोल है, मिर्ची पाउडर डाल दो दुकान के अंदर, लाल मिर्च का पाउडर, या इनका परमानेंट इंसुलेशन करना है तो एक फेविक्विक ले आओ 5 रुपए वाली, वो डाल दो इनकी दुकान के अंदर, इनकी दुकान का शटर परमानेंट बंद कर दो, फिर देख दूसरा 54 छाप भी नहीं आएगा कोई। यह तरीका है। उसके अलावा एक कैसे डराते हैं आम आदमी को, फोन करेंगे आपके पास, पहले करते क्या है जब EMI डिफॉल्ट होती है 2, 4, 5, सबसे पहले तो फोन को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देंगे, एक दिन में 8-10 फोन आएंगे भाई, खोपड़ा खराब कर देंगे। मैसेज को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देंगे, मैसेज ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। मेल को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देंगे, एक दिन में 5-7 मेल आएंगी, खोपड़ा खराब कर देंगे। उसके बाद 54 छाप 90% फेक नोटिस भेजते हैं, फेक नोटिस भेजेंगे, 420 लगेगी, 406 लगेगी, 422 लगेगी, घंटा लगेगा, बकवास कर रहे हैं उठाई करें, 420 कैसे लगेगी? कोई लोन का कोई फ्रॉड कराया था? अरे भाई कोई बैंक पढ़ा था, चोरी करी थी, क्या कराया था? पैसे लिए थे व्यापार करने के लिए, किसी काम के लिए? अरे कोरोना में सारे डूब गए यार, पैसे होते इनके, पैसे दे दो भाई, बीमारी से अपना पीछा चटवा लो, मरा है साहब अपने गले में तो गाड़ लो, नहीं तो फाइनेंशियल डेथ तो करेंगे, आपका सिविल खराब कर देंगे। और नहीं है तो फिर आपको मंगल और ग्रह तो आपका क्या करेगा, शनि देव भी साक्षात आके, शनि ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई, ड्यू टू प्रोसेस चल। ये 54 छाप, फिर इन 54 छाप क्या करते हैं, फोन करते हैं, कैसे बताता हूं। हां भाई, मिंदर सिंह बोल रहा हूं, क्राइम ब्रांच दिल्ली से, ये एक पर्चा दर्ज हो रहा है तेरा, FIR हो रही है 420 की। हां जी, और बंदा डर जाएगा, हां जी सर, भाई ये पर्चा बस FIR हो रही है, अभी तुरंत लोकल पुलिस आएगी और उसको उठा लेगी, सर अभी पैसे नहीं है, वो बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा है ये एक एडवोकेट का नंबर दे रहा हूं मैं, फलाने एडवोकेट का नंबर लिख ले, इससे बात करो 10 मिनट के अंदर अंदर, इससे बात करके मेरे को रिप्लाई करो, नहीं हमें भी फाइल भेज रहे हैं। वो बंदा कहेगा ठीक है जी कर लेता हूं, तो क्या करेंगे दूसरे 54 छाप को बोलेंगे भाई इसको फाइल को होल्ड कर ले 10 मिनट के लिए, वो दूसरा 54 छाप उसके साथ ही बैठा है, ठीक है सर होल्ड कर ली, 10 मिनट के अंदर बात करके बताओ ही मेरे को, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, फिर कभी कहो तेरी लुगाई ने भी ले जाएंगे ढाके, आदमी डर जाएगा। फिर आप उस पुलिस उसके पास वकील के पास, वो 30,000 कोर्ट का वकील कह रहे हैं वो भिखारी उसको, या हाई कोर्ट का वकील बोल रहे हैं, वो है कौन? अरे भैया ये जो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर है ये भी 54 छाप है, जिसको ये कह रहे हैं 10 मिनट के वो भी 54 छाप है, और वो इनका बाप भी 54 छाप है जिसको ये वकील कह रहे हैं, वो वकील नहीं है वो 54 छाप है, ये हजारों 54 छाप लगा रखे हैं इन्होंने, अलग अलग जगह से फोन करते हैं, जानबूझ के दिल्ली के नंबर सही कर देंगे, और आपके मोबाइल पे लिखा है इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच, वो कैसे आया? अरे भाई एक नया नंबर ले हुए, आजकल 90% लोगों के में ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर पे अपने दूसरे 54 छाप के फोन पे मिस कॉल करेंगे, वो उसमें लिख देगा क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर, बस वो क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर ही लिखाएगा। अब वो जो दूसरे 54 छाप का नंबर दिया वो उसमें लिख देगा 30,000 एडवोकेट, अब जब आप फोन करोगे तो 30,000 एडवोकेट लिखाएगा, फिर वो 54 छाप डराएगा दूसरा जो एडवोकेट बन रहा है, भाई ये तो 420 लगेगी, 422 लगेगी, 406 लगेगी,
लाखों आदमियों के, मैं कहूं करोड़ों आदमियों के साथ ऐसा हो चुका है। अगर आपके साथ नहीं हुआ तो 100% ऐसा ही होगा। यह चवन्नी छाप ऐसा ही परेशान और हरास कर रहे हैं। तो समझ जो, जब यह चवन्नी छाप फोन कर रहे हैं उसको बोलो, और जो बोल रहे हैं ना क्राइम ब्रांच से, इनको तेरी बाण रो दूंगा, तेरे भाइयान रो दूंगा तेरे। अर नहीं तो भाई, आजकल बाण भाई रोने के लिए बंदे ना हो, आदमी ना हो आपके पास, किराए पे भी मिलते हैं आजकल बहुत से शहरों में। शादी में किसी पे आदमी ना हो जाने के लिए बरात में, तो वो बंदे किराए पे देते हैं, तो रोने वाले भी किराए पर ले आवेंगे वहां तक। उनने क्या, उन्हें तो किराया लेना यार, अपनी दिहाड़ी लेनी। उसका बोल तेरी बाण न रो देगा, तेरा भी बोर खराब कर दूंगा। एक चवन्नी जाप आया था उसका तो काट दिया मैंने रोग, उसमें तो डाल दिया पेट्रोल, बस वो समझ जाएगा। फिर उस चवन्नी छाप वकील के पास फोन करो, उसको बोलेगा 420 422, यही बोलेगा 100% यही बोलेगा। उसको बोल 422 बोल रहा है, उनको 844 लगा दे, 420 बोल रहा है कह दे 840 लगा दे, 406 बोल रहा है बोल 812 लगा दे। वो समझ जाएगा भाई ने तो डिसेंट एडवाइस ले ली। वो जो चवन्नी छाप क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर है वो भी समझ जाएगा के भाई ने तो डिसेंट एडवाइस ले ली, ये तो डिसेंट एडवाइस चैनल देख लिया होगा, यूं नहीं तो तेरा बाप बन गया। उसको बोलो जब फोन आएगा, अबे तेरा बाप बोल रहा हूं मैं, नरक से आ गया हूं मैं उठ के गब्बर सिंह, बल तेरी बाण न रो दू तेरे भाइयान रो दू। बस वो जिंदगी में कभी चवन्नी छाप का फोन नहीं आएगा। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा दी है, वो चवन्नी छापी भी एडवोकेट बन रही है, इंस्पेक्टर बन रही है महिला सेल की, कह रही है भाई ये तो पर्चा दर्ज होएगा, अभी तो मैं सुन भी रही हूं, बाद में तेरे को पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे भाई दो लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए, ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है, अपराध नहीं है, ये सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा, केस लड़ लेना। हमारे देश में सिविल का केस मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 35-40 साल लगते हैं। 35-40 साल में हरिद्वार ही जालोगे यार, 16 साल के थोड़ी हो, और जिनने पैसे दे रखे वो भी हरिद्वार जालेगा। यही कारण है कि चवन्नी छापों को पीछे लगाते हैं, नहीं तो इनके पास राइट्स हैं, अधिकार है हमारे ऊपर केस करने के, क्यों नहीं करते केस? इन चवन्नी छापों को कमीशन देके क्यों लगा रखा है? भाई जितना ज्यादा लेट होगा उतना ज्यादा चवन्नी छापों की कमीशन बढ़ जाएगी। इन उठाईगरों की कोई सैलरी नहीं है, ये भिखमंगे कमीशन पे काम कर रहे हैं, ये आम आदमी ने बदमाश बना रखे हैं, शरीफ आदमी ने, कोई बदमाश नहीं है यार। ये टूटी हुई मोटरसाइकिल पे तो आपके घर आ रहे हैं, ये भिखमंगों के इनके पल्ले कुछ हो, ये उठाई करेगा, ये काम करें यार बेइज्जती करवाने का। ये खुद गालियां खा के आते हैं, सुबह इनकी मीटिंग होती है, हाँ भाई कितने पैसे लेके आया, आए नहीं सर। ये खुद मां बहन की गालियां खा के आते हैं यार, फिर वही आगे आगे लोगों को देते हैं। और ये चवन्नी छाप मेरे देखने में आया है, 6 महीने से ज्यादा किसी कंपनी में टिकते भी नहीं। क्यों? इनका एक टारगेट हुआ है भाई इतने लाख रुपए लेने। अब भाई उतने लाख रुपए आजकल देश में जंगल की आग की तरह डिसेंट एडवाइस चैनल फैला हुआ है, कोई भी आदमी इनको इतना एक्सपोजर नहीं कर रहा, इनको पूरा इनका भांडा नहीं फोड़ रहा। शायद मेरे को लग रहा है डर है, लाखों आदमी एडवाइस दे रहे हैं हमारे चैनल हमारे देश में, लेकिन वो पूरा भांडा नहीं फोड़ रहे। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा चैनल सबसे ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है डिसेंट एडवाइस? मैं आम और खास आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बताओ और समझा देता हूं, उसके राइट्स बता देता हूं, उसके अधिकार बता देता हूं, और चवन्नी छापों से लड़ने का तरीका बता देता हूं। तो भाई डरे घबराए नहीं, ये चवन्नी छाप है, 100% चवन्नी छाप है। आपने क्राइम किया नहीं, ये क्राइम की श्रेणी में है नहीं, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए तो भी क्राइम की श्रेणी में नहीं है। आपको क्रिमिनल बनाया किसने, आपको अपराधी बनाया किसने? इन चवन्नी छापों ने, इन्होंने आपको फेक नोटिस भेज भेज के 420 लगेगी, फलाना लगेगी, ईमेल पे भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, हार्ड कॉपी भेज दी। ये क्या करते हैं, 200-500 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा के भेज देते हैं, ताकि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाए। क्यों? इनकी भिखमंगों की कमीशन है, आपकी जेब से पैसे निकलवाएंगे, 20-30 हजार रुपए इनको मिलेंगे, अगर ज्यादा पुराना केस हो गया हो तो इनको 50 हजार रुपए भी मिलते हैं। यही कारण है कि भिखमंगे, कुछ आदमी मेरे साथ तो लगभग सारे देश से जुड़ते हैं, हर स्टेट से, कुछ आदमी मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं, मेरे से टेलीफोनिकली जुड़ रहे हैं, सर वो फॉर्च्यूनर में आए थे। अबे फॉर्च्यूनर इनके बाप ने भी देखी है, इनके दादा ने भी देखी थी, 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर है। इन भिखमंगों पर 50 लाख होते ये उठाई करेगा काम करेंगे क्या? ये तो भाई 2-4 उठाई गिरे किराए पे लेकर आओ उसने, फॉर्च्यूनर ने, आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए। इनके पल्ले नहीं घंटा भी, नंग है 44 नंबर के, आप देख लो उस फॉर्च्यूनर में बैठ जाओ, उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा दे, स्कूटर मोटरसाइकिल लगा दे, देख
आगे जाके उसमें उसे उतरेंगे, उसको किराया देंगे और फिर अपनी भीख मांगे टूटी हुई मोटरसाइकिल ढाके फिर अपने घर जाएंगे। इनसे डरे घबराए नहीं, इनका यमराज ये बैठा है अमरदीप कादियान। नाम तो सुना ही होगा, अमरदीप कादियान नहीं सुना होगा तो भाई गूगल पे भी सर्च करेगा सबसे ऊपर ही आएगा। लाखों आदमियों का हमारे देश में नाम अमरदीप कादियान है, इसी अमरदीप कादियान का क्यों नाम ऊपर आ रहा है? ओ भाई लोग सर्च कर रहे हैं इसको, हमारा चैनल ट्रेंडिंग में कैसे है और लोग सर्च कर रहे हैं इसको यार, डिसेंट एडवाइज लिख के क्यों लोगों को परेशानी हो रही है? ऐसे ऐसे आदमी आते हैं हमारे पास, कमेंट करते हैं, टेलीफोनिकली जुड़ते हैं या पर्सनली मीटिंग भी करते हैं, वो कहते हैं सर 8-8, 10-10 दिन हो गए, नींद ही नहीं आ रही, खाना नहीं खाया जा रहा हमारे से। क्यों? इन 54 छापों ने उनको क्रिमिनल बना रखा है। ऐसे आदमी है, उन्होंने किसी को आज तक गाली नहीं दी, किसी को आज तक थप्पड़ नहीं मारा, उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया इन भिखमंगों ने। अरे भाई क्रिमिनल घोषित करने का, अपराधी को पक्का अपराधी बनाने का तो कोर्ट का काम है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसने अपराध किया है कि नहीं है। ये अपने आप ही भीख मंगे इंस्पेक्टर बन रहे हैं, अपने आप ही दरोगा बन रहे हैं, अपने आप ही पुलिस बन रहे हैं, अपने आप ही एडवोकेट बन रहे हैं। आजकल ये हाई कोर्ट के जज का भी रोल करने लग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम से भी फोन करने लग गए हैं, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के लीडर के नाम से करते हैं। डरे घबराए नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी है अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ना चाहते हैं या दिल्ली एनसीआर के पास से कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, आपका 5 लाख का लोन है, 50 लाख का लोन है, 50 करोड़ का लोन है या कितने का भी है, आप अपने लोन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं कुंडली TDI में, या टेलीफोनिकली जुड़ने के लिए आपकी स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई रिसीव नहीं करेगा, इसको सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिसीव नहीं करेगा, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे जय ससुराल वालों की।